नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। वार्ड 39 में पानी के लिए तरस रहे लोग, अलवर के काली मोरी फाटक के हीरा बास कॉलोनी में 8 से 10 साल से पानी नहीं आ रहा है। कॉलोनी वासियों की कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा। लोगों का कहना है कि हमने वाटर बक्स कलेक्टर और पार्षद को कई बार शिकायत की गई। वाल्व लगाने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगते हैं। आधी कॉलोनी में पानी आ रहा है और आधी कॉलोनी में पानी के लिए तरस रही है। पार्षद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बार गड्ढे खोदे जा रहे हैं। 4 साल से पाइपलाइन बिछी हुई है लेकिन पानी नहीं मिल रहा। पार्षद कहते हैं, आपने मुझे वोट नहीं दिए इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। हमने टीकाराम जूली संजय शर्मा कलेक्टर पार्षद सभी को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। और हमने बहुत कोशिश कर ली वाटर बक्स में, कितनी बार तो हम वाटर बक्स में उजाए, एप्लीकेशन दे दी, कलेक्टर को दे दी हमने और सर वापू वार्ड मेंबर को, सबको दे दिया हमने, पर हमारे पानी नहीं आता। पानी क्या आता है, पानी छोड़ते ही नहीं है। पानी पहले 4 बजे खुल जाता था और अब पानी कभी 12 बजे खुल रहा है, कभी 10 बजे खुल रहा है और 3 बजे बंद कर जाते हैं। पता नहीं वो पानी को बेचते हैं क्या करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। और खड्डा खोद के अपने पैसे बना लेते हैं और बस खड्डा खोद के उसको बंद कर जाते हैं। पानी का कोई आना न जाना न। और हमारे पिछले 5,000 रुपया जो जब तुमको यहाँ वार लगाएंगा, यहाँ वार लगा बस कहीं फायदा। कौन कहता है 5,000 रुपए? कल खड्डा खोद बड़ा आया जिनने कही 5,000 रुपया दियो और हमने 14,000 रुपया वो वाल में लगा दिया। वो वाल से हमको कोई फायदा ही ना है। और वहाँ का तारा तोड़ दे, कदेवा को पाइप तोड़ दे, कदेवा को ऊपर को जाल भी सारो हटा ले गया। संजय शर्मा का हम हुई आया और वो ऑफिस में हम आए जहाँ भगत सिंह का चौराहे पे और कोतवाली में हम हुई आए। हमने कहा बाप दादा देखो ना इनको, सारी जिगत हारो देकर रो रो कर बैठे आए हम। बता 40-40 रुपया लगा लगा के बैठे हैं, सारी गली का गए हैं। जिनका पानी आ रहा है तो क्यों जाएंगे? आधे मोहल्ले में पानी आ रहा है, अब आधा मोहल्ले में पानी आ रहा है, आधा में नहीं आ रहा, बैठे हैं पीछे रह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और बी में नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा है, पीछे की तरफ आधे में आ रहा है। और पानी तो है लेकिन हमारी तरफ जो लाइन पीछे है वो आपकी हमारी समस्या सबसे 8-10 साल से हमारे पानी की समस्या बहुत जबरदस्त हो रही है। ये हमारे पानी नहीं आ रहा और वार्ड नंबर 39 का जो पार्षद है वो तो इधर ध्यान ही नहीं देता है। पानी की समस्या हो चाहे नाली की समस्या कुछ भी हो, और हमने यहाँ से कलेक्टर को भी लिख दिया बार बार कि इधर को जूली सरकार को भी बार बार के लिख दिया, इधर को विधायक संजय शर्मा को बार बार दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। और यहाँ खड्डे भी खुद गए, खड्डे खेड़ने से कोई सेंस नहीं है। यहाँ से कोई पानी से लिया जाएगा? खड्डे वहाँ से फाटक से खुलने चाहिए और लाइन नीचे होकर आनी चाहिए फाटक से। वहाँ 1.5 फीट लाइन ऊपर है, पाइपलाइन बिछे पाइपलाइन बिछी पाइपलाइन बिछी हुई है। 4 साल हो गए पाइपलाइन बिछी, उसमें एक बूंद पानी नहीं है जब से 14,000 रुपया। कहाँ पे ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? हमने ज्ञापन कलेक्टर को भी दे दिया बार बार की में, और जूली सरकार को भी दे दिया बार बार की में। वाटर बक्स को तो हम लिखर में दे रहे हैं बार बार की में, और इधर को ये संजय शर्मा जो जिला विधायक है उनको दे रहे, हर जो भी है उसको बार बार कम दे। और जयपुरी भी रिपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक आध दफे जयपुरी भी दिया हमने। पार्षद क्या कहते हैं आपको? पार्षद तो यहाँ देखने नहीं आता आज तक ही ना। पार्षद कहते हैं कि मुझे हीरा बास वाला ने कोई वोट नहीं दिए तो मैं तो नहीं यहाँ कुछ इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। वोट नहीं दिया तो जीत कैसे? और वो वोट नहीं मिले तो जीता कैसे? सबसे बड़ी समस्या। क्या नाम पार्षद का? उसका नाम विष्णु, हाँ विष्णु शर्मा। विष्णु वार्ड कौन सा है? 39। क्या नाम है आपका? मेरा ना प्रहलाद सैन। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वीएमआर भारत टीवी।